स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही स्वादिष्ट किचन के ही कुछ सिंपल से सामान से, जो कि आपको रेस्टोरेंट की याद दिला देगा, बल्कि मैं कहूँ कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर लबाबदार की रेसिपी, जिसे ना बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर पनीर लबाबदार बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच डाला है तेल और यहाँ पर डालेंगे अब हम जीरा। यहाँ पर जीरा ना मैं तकरीबन आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ और ना फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे। उसी के साथ में मैं डाल दूँगी 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। तो फ्लेम को लो रख कर ही सारे खड़े गर्म मसाले को डालेंगे। यहाँ पर 2 से 3 हरी इलायची डाला है मैंने और 2 तेज़पत्ता। यहाँ पर अब हम डालेंगे 2 बड़ा साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज, जिसे ना हमें हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भून लेना है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से भूनने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ मेलन सीड्स 2 चम्मच और यहाँ पर 10 से 12 मैंने काजू लिया है, इसको भी डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये हल्के से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर को रफली चॉप्ड कर डाल दिया है और इसे भी तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब यहाँ पर कुछ मसालों को रेडी करेंगे, जिसके लिए लहसुन अदरक और हरी मिर्च को ना इस तरीके से मैंने कूट कर यूज़ किया है। आप चाहें तो ग्राइंडर में हल्का सा दरदरा कर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से जब हम रफली इसको क्रश करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फ्रेशी सा फ्लेवर आता है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का। तो ये रेडी है। तो यहाँ पर ना लहसुन मैंने ले लिया था 10 से 12 कली और अदरक जो है ये 2 इंच का टुकड़ा और हरी मिर्च स्वाद के अनुसार इसमें हम डाल देंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे। लाल मिर्च डालेंगे स्वाद के अनुसार, सूखी लाल मिर्च का भी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर आपको अच्छी लगे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। तो बस इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर ना अभी हमें सबको अच्छे से कुक करना है, जिसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा क्रशर में पानी डालकर डाला है। तो पानी यहाँ पर थोड़ी सी कम है, नीचे तले में चिपके ना, जिसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच मैंने पानी और डाल दिया और इसे ना ढक कर 2 मिनट के लिए लो हीट पर कुक करेंगे। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं, इसको इस तरीके से मिक्स करें और चेक कर लें कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अच्छे से इसे मिला लें चारों तरफ और ना अब हम इसमें से तेज पत्ता वाला पार्ट को हटा देंगे और ना दालचीनी को भी हटा देंगे। इन दोनों को हम पीसेंगे नहीं। अब इसे पीसने के लिए हमें फ्लेम को ऑफ कर इसे ना ठंडा करना होगा। इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी ये ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से आप प्लेट में निकाल लें, किसी बाउल में निकाल लें और फैन के नीचे या फिर ठंडा होने दें अच्छी तरीके से, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में हम गरम तो डालकर पीसते नहीं हैं। तो आइए अब पनीर को देख लेते हैं, जिसके लिए ना मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है पनीर, जिसमें से ना मैंने इतना सा पार्ट साइड से हटा दिया है, ये गोल वाले पार्ट थे। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे, जिसके लिए ना मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इस पनीर के क्यूब्स को इस तरीके से हम डाल इसकी देंगे। जो कटिंग है ना, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बड़े बड़े पीसेस में स्क्वायर पीस में रखा है और बस इन पनीर को हम इस पैन में डाल देंगे और ऊपर से अब हम डालेंगे कुछ, इसे सीजनिंग करना है। तो हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और नमक डालकर ना इसे हम अच्छे से भून लेंगे। लेकिन ना इसमें मैं अपना ट्विस्ट दे रही हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी को क्रश कर डाल रही हूँ। ये जब आप डालिएगा ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, यह यकीन मानिए, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो एक बार इस तरीके से टॉस करें, अदरवाइज आप स्पैचुला से भी इसे टर्न कर स्टिर फ्राई कर सकते हैं। तो इसे ना उलट पलट करते हुए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। और ना मुझे ना इस तरीके से टॉस करने में काफ़ी मज़ा आता है, तो मैं इसी तरीके से टॉस कर ही पनीर को फ्राई करती हूँ, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। अगर एक्सपीरियंस हो तो ही फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए पनीर फ्राई होकर रेडी है। तो अब सेम कढ़ाई में ना मैंने यहाँ पर डाला है ऑयल और आप यहाँ पर कोई सा भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया आधी छोटी चम्मच जीरा
और जैसे ही जीरा तड़क जाएगी अब हम इसमें डाल देंगे दो चुटकी हींग और इन दोनों को ना आपस में हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने ना दो मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, तो अच्छे से इसे डालकर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे। तो यहाँ पर ना ट्रांसलूसेंट हो जाने तक अच्छे से हमें इसे भून लेना है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे धीरे धीरे लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो जैसे ही इसकी भुनाई ख़त्म हो जाएगी तो ये अपना कलर रिलीज़ कर देगा इस तरीके से। तो ये प्रोसेस करने में ना लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो इसे ना मैंने ढक ढक कर अच्छे से इसे भुना है और उसके बाद ना मैंने फिर से इसमें दो मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप्ड कटिंग कर डाला है। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डालेंगे, उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्च का पाउडर ना आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुने हुए जीरे के पाउडर को डालेंगे और इसे ना अच्छे से हम भून लेंगे। लगे आपको कि ये थोड़ी सी सूखी है, मतलब ड्राई है, इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि मसाले आपस में मिल जाए। ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल इस तरीके से ये आपस में मिल जाती है। अभी मसालों को कुक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसमें पानी को डाला है, इसे ढक ढक कर हमें कुक करना है। तो आइए पहले का जो हमने प्याज को फ्राई किया था और प्याज टमाटर को, तो इसको ना इस तरीके से हम ग्राइंडर जार में डालकर फाइनली एक पेस्ट को रेडी कर लेंगे। तो इसमें ना थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसे हम चर्न करेंगे, जिसके लिए हमें अच्छे से लिड को लगाकर टाइटली क्लोज कर देना है और इसे चर्न कर लेंगे ताकि ये फाइन सा प्योरे जो है हमारी वो बनकर रेडी हो जाए। तो ये प्योरे जो है ये यहाँ पर बन गई है। तो आइए अब एक बार प्याज को देख लेते हैं। तो ये देखिए मसाले भी अच्छे से यहाँ पर भून चुके हैं। इसे लगातार एक बार चलाते जाएंगे और बिल्कुल इस तरीके से जब ये हो जाएंगे जैसे ऑयल जैसे रिलीज़ होने लगे, तो बस इसी स्टेज पर मैं डालूंगी थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। तकरीबन आधा शिमला मिर्च मैंने लिया है, जैसे बड़ा साइज़ का शिमला मिर्च होता है ना, बस उसको मैंने आधा कट कर इसमें बारीक काट कर डाल दिया है। और बस जैसे ही ये शिमला मिर्च भुन जाएगी तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अपने प्योरे को। तो एक बार चेक कर लें, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो इसे ना अभी हमें छानना है। ये पिस कर रेडी हो चुकी थी। इस तरीके का छन्नी हर किसी के घर में होता है, नहीं हो तो आटा छानने वाला जो छन्नी आता है ना उसमें भी डालकर आप इसे छान सकते हैं। तो मैंने इस तरीके का छन्नी को लिया है, नीचे से एक बाउल डाला है और ऊपर से ये पेस्ट को डाल करना हमें अच्छे से इसे छान लेना है ताकि कोई भी रेसे या फिर कोई भी मोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो ना रहे। इस तरीके से ये छन कर निकल जाता है। बहुत ही अच्छा ये बारीक सा पेस्ट जो है ये बनकर ये निकल जाएगा। काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर भी आता है। तो बस यहाँ पर ना इसी तरीके से हम लगातार करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, ये मैं लास्टली आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको इसके पार्ट निकलेंगे, तो इसे आप हटा दें। तो बस यहाँ पर ये पेस्ट बनकर रेडी है। आइए एक बार फिर से इस प्याज टमाटर वाले मिक्सचर को चेक कर लेते हैं। और भी अच्छे से हमारे मसाले कुक हो चुके हैं। तो इस प्योरे को ना हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पर ना भूनने के बाद में हमें इसमें गर्म पानी का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर पानी डाला है तकरीबन एक छोटा ग्लास के जितना। और यहाँ पर ना मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो रखी है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मेरी आवाज़ उतनी अच्छे से निकल नहीं रही है, तो यहाँ पर आप माइंड नहीं कीजिएगा। तो आइए रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इसमें उबाल आने लगी, ये आप देख रहे हैं ना अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है, तो इसे ना हम ढक कर लो हीट पर कुक करेंगे। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ग्रेवी जो है ये बन रहा है। काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो बस इसे हमें ना काफ़ी अच्छे से ढक ढक कर कुक करना है। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा चीनी भी डालूँगी ताकि टेस्ट जो है वो बैलेंस हो सके। तो बस मैंने तकरीबन आधी छोटी चम्मच चीनी का यूज़ किया है और फ्राई किए हुए पनीर को साथ में ही डाल देंगे और अच्छे से हमें इसे भी डाल करना कुक करना है। तो जितने भी पनीर क्यूब्स थे हमने सारे को डाल दिया और ना इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करें क्योंकि पनीर में भी टूट सकते हैं। अब मैं ऊपर से गरम मसाला का पाउडर डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच, और एक छोटा चम्मच डालूँगी यहाँ पे
कसूरी मेथी जिसे हम इस तरीके से रब कर कर डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। ज़रूर से डालें कसूरी मेथी के पत्ते को। बस यहाँ पर मिक्स करने के बाद में लो हीट पर रखेंगे, उसके बाद ना हम इसमें पनीर इस तरीके से ग्रेट कर कर डालेंगे ताकि रिच फॉर्म आ सके। बस हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते हुए आधे से एक मिनट के लिए इसे कुक करें। हरे धनिए के साथ में गार्निश करें, रोटी नान चपाती के साथ में इसे गर्मा गर्म सर्व करें। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने ना एक ट्विस्ट दिया है जिसमें मैंने मक्खन में कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगाकर ऊपर से गार्निश किया है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और खाने में तो लाजवाब है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।